Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem of class fourth and poem number fifth, the bird on the shore. This is a very beautiful poem. It is written by the Brian Moses and he is a very Britain famous poet. Children poet. He always write poems related to the monsters and aliens, and he has written. Uh, few work that is also written in your book first one is the uh, walking with my iguana and lost magic a famous work on 1950 born hain, brian moses and uh, let's read this poem before reading this poem some information is given when a sea and or an ocean becomes dirty many birds and animals that live in and around it are affected read this poem about a girl that is rescued by a kind for, uh, father and his son. जब भी हम किसी समुंदर को या किसी ओशन को देखते हैं ठीक है सी और ओशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता सिर्फ इनकी लार्जर का होता है ठीक है सी ओशन इज मोर लार्जर देन सी जो वाटर बॉडीज होती है ओशन बड़ा होता है बिगर होता है जो सी होता है थोड़ा स्मॉलर होता है दिस इज द ओनली डिफरेंस ठीक है और जो जब डर्ट मतलब आज के टाइम में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है तो जब सी और ओशन जब डर्टी हो जाते हैं तो बर्ड्स और एनिमल्स जो उसमें रहते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो उसमें रहते हैं वो क्या होते हैं अफेक्टेड हो जाते हैं उस पॉल्यूटेंट की वजह से चलो हम इस पॉइंट में पढ़ते हैं इस पॉइंट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ गर्ल ठीक है तो एक जो मतलब कि बर्ड है गर्ल तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसको मतलब uh, एक मतलब काइंड जो अच्छे से फादर और एक बेटा होता है वो बचाते हैं उसको स्टिकी स्किन ऑफ ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन द सी एंड एनी बर्ड कोऑर्डिनेट नीड्स आर हेल्प टू ब्रेक फ्री स्टिकी स्किन ऑफ ऑयल इस फ्लोटिंग ऑन द सी मीन्स क्या है कि एक स्टिकी मतलब स्टिकी चिपचिपी जो स्किन होती है ऑयल की वो समुंदर पे फ्लोट कर इसका मतलब क्या है कि समुद्र में कुछ पोलिटेंट्स हैं जो उसमें फ्लोट कर रहे हैं जो तैर रहे हैं ठीक है एंड एनी बर्ड कोट इन इट जो भी अगर उस मतलब कि पॉल्यूशन में अगर कोई बर्ड अगर फंस जाती है तो उसे क्या है हमारी हेल्प की जरूरत होगी ठीक है ताकि हम उसको फ्री कर सकें Just like the girl we found half dead among the sands, we wrapped him in a towel, but still he peaked. डैड्स हैंड्स और जिस तरीके से जो गर्ल होती है जैसे उसको बर्ड्स को मिलते हैं जैसे अपनी पिक्चर में देख रहे हो एक गर्ल है तो वो पिक्चर में उसको है देख ले रखा है ना फादर ने तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे हमें हाफ डेड मिलती है वो सेंड्स में सेंट के पास समुन्द्र के पास जैसे सेंट होता है तो वहाँ पर वी रैप्ड वी को हमें फादर और सन है उन्होंने क्या कि एक टावल में उसको रैप किया बट स्टिल ही पिक पिक का मतलब क्या होता है कि जब वो अपनी बीक से उसको टच कर रही होती तो है उसके फादर के हैंड को लेकिन वो फिर भी हाफ डेड थी लेकिन वो फिर भी जो गर्ल होती है जो बर्ड होती है वो उसके फादर को टच कर रहे थे हैंड को इट इज नॉट अ जॉब फॉर अस। डेट सैड डेट ने क्या बोला इट्स नॉट अ जॉब फॉर अस डेट सैड ही नीड एक्सपर्ट केयर आई थिंक आई नो अ प्लेस दे विल मेक हिम बेटर देयर अब उसके डैड कहते हैं कि ये इट हाँ, इज़ नॉट जॉब फॉर अस की ये जॉब हमारी नहीं है काम हमारा नहीं है ही नीड्स अब एक्सपर्ट केयर मतलब कि उसे एक एक्सपर्ट केयर जो ये होती तो, क्योंकि जो बर्ड्स हैं अभी तो नहीं कि कोई भी पर्सन उसको बर्ड्स को किसी को ठीक कर देगा तो उसके लिए क्या होते हैं वेटररी डॉक्टर्स होते हैं ठीक है वो कहते हैं कि उसको कोई एक्सपर्ट की जरूरत है आई थिंक वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें मुझे एक ऐसा प्लेस पता है कि वहीं पर जाके उसको वहाँ पर ठीक किया जा सकता मतलब कि फादर एंड ही सन टेक हिम टू अ वेटरटरी डॉक्टर दे स्क्रब एंड क्लीन आर गर्ल और वो क्या करते हैं वो उसको स्क्रब करते हैं साफ करते हैं क्लीन करते हैं उसको गर्ल को द शॉट अज सेवरल मोर विच हैड बीन ब्लैक विद ऑयल एंड अ हाफ डेड ऑन द शॉट अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर होता है वो वेटनरी डॉक्टर क्या करते हैं उसको जब उसको ले जाते हैं तो उसके पास उसको स्क्रब करते हैं क्लीन करते हुए कहते हैं कि हमारे गर्ल को साफ साफ किया लेकिन तभी वो जो डॉक्टर होता है यहाँ पे तो वो क्या करते हैं वो जो और उस टाइप के और गल होते हैं उनको दिखाते हैं जो कि ब्लैक हो गए हैं विद ऑयल से जैसे वहाँ पे पोल्यूटेंट्स हो गए समुद्र में तो उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं एंड हाफ डेड ऑन द शॉर और हाफली वो डेड हो चुके हैं और जो शॉर्ट पे आ गए मतलब ये सिर्फ एक ये सिर्फ एक सिंगल गल नहीं है और भी बहुत सारी गल हैं जिनको वो दिखाते हैं अ स्टिकी स्किन ऑफ ऑयल इज फ्लॉटिंग ऑन द सी एंड एनी बर्ड कोऑर्डिनेट नीड्स वन है टू बी फ्री अब वो कहते हैं कि अब एंडिंग देखो सेम पैसे से ही हो रही है कि जो स्टिकी स्किन ऑफ ऑयल मतलब कि जो उस समुंदर के ऊपर कुछ पोल्यूटेंट्स है वो तैर रहा है और कोई भी बर्ड अगर उसमें फंस जाती है तो उसको हमारी हेल्प की जरूरत है तो मतलब कि व्हाट डज अ पोएट वांट टू अस कि पोएट ये चाहता है कि जब व्हेनेवर वी रीड दिस पोयम तो वी शुड नॉट पोल्यूट इन सी योर ओशन कि कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन फैलाने के लिए है ना तो अब हमें ये समझ आना चाहिए कि जैसे वो तो अब उन्होंने एट प्रेजेंट सिर्फ एक गल को देखा है सिर्फ वहाँ पे एक गल नहीं है वो भी तो एक्टिक एनिमल है ना जो हार्म होंगे ठीक है उन तो उसको सेव कर दिया तो उनको एनिमल्स को सेव करने के लिए भी तो क्या है? कोई पर्सन चाहिए तो ऐसी नौबती ना आए तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ओशन और सी को भी पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए ठीक है तो ताकि इस पोएम को सिलेबस में रखने का यही रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अवेयर हो उनको भी पता लगे कि हमें इस तरीके से मतलब कि पोल्यूट नहीं करना चाहिए जैसे वो कभी भी घूमने के लिए जाते हैं औशनसी के आसपास और जो वैसे भी जो फैक्ट्रीज होती हैं जो मतलब गारबेज वगैरह डालती हैं तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे एक्विटी एनिमल होते हैं वो हार्म होते हैं ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया हमारे पोइट ने होपफुली आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बी हैप्पी कीप्स स्टार्टिंग